हम पहले भी नौशहरा आए थे लगभग 25-30 साल पहले। नौशहरा वासियों का भाव भक्ति धर्म के प्रति निष्ठा देखा है और आज फिर से एक बार यहाँ आना हुआ है नौशहरा वासियों के कल्याण के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। और ये एक सप्ताह का हमारा जम्मू कश्मीर राज्य का भ्रमण है, जिसमें हम आगे मेंढर जाएंगे, एक दिन वहाँ का प्रवास है, और फिर पुंछ और बूढ़ा अमरनाथ जो हमारा प्रसिद्ध धर्मस्थल है उसकी पूजा अर्चना करना है। इस क्रम में आज नौशहरा प्रवास पर आए हैं और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका कल्याण हो। आध्यात्मिक, भौतिक, धार्मिक सब तरह से लोग उन्नतिशील हों और भारत का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ लोगों को हर तरह से विकास की ज़रूरत है, जिसमें सरकारें भौतिक विकास कर रही हैं। मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जो सड़कों की हालात थी अब बहुत बेहतर है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आध्यात्मिक और धार्मिक विकास बेहद ज़रूरी है और संत महापुरुषों के आने से, उनके सत्संग से लोगों में वो ज्ञान का विकास होता है। और नौशहरा के लोग धर्म भीरु हैं, उन सब के कल्याण हो ये कामना के साथ यहाँ आया हूँ। महात्मा जी, गौरतलब है कि नौशहरा एक बहुत ही प्राचीन मंदिरों का शहर माना जाता है। इसमें कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे ठाकुर द्वारा का विशाल मंदिर भी बनकर तैयार हुआ है, मंगला माता जंगड़ में है, ठाकुर द्वारा जंगड़ में है, काफ़ी ऐसे मंदिर हैं। अमरनाथ की यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा यात्री है वाया जम्मू पुंछ हाईवे से होकर चली जाती है। क्या आप डिमांड करते हैं कि नौशहरा के मंदिरों के भी दर्शन जो है यात्रा करें और लोग गदगद हों? एक सुसज्जित और संपन्न, शक्ति संपन्न धर्मस्थल एक समृद्ध राज्य और राष्ट्र की निशानी होती है। व्यक्ति और समाज कितना विकसित हुआ है और कितना समृद्ध है, धर्मस्थलों से ही उनकी पहचान होती है।
नौशहरा पहले से ही धार्मिक सांस्कृतिक संपन्न और समृद्ध शहर है, कस्बा है, और यहाँ के लोगों ने हमेशा से धर्म के प्रति आगे रुचि दिखाई है। और जब भी धर्म स्थानों की बात आती है, यज्ञिक अनुष्ठानों की बात आती है, तो श्रद्धालुओं को अपनी पहचान के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए हर तरह से खुल करके सहयोग करना चाहिए। और यहाँ ठाकुर द्वारा बहुत भव्य निर्माण किया गया है, श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छा योगदान किया है, और इसी तरह अपने धर्म और धर्मस्थलों के जब मौका आता है तो बढ़ करके आगे आना चाहिए और तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी जिस प्रकार हम अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं और रहने के लिए हम साफ सुथरा पवित्र माहौल चाहते हैं, तो भगवान का घर है, मंदिर भगवान का घर है, और उसके लिए वो हर किसी का जिम्मेदारी है कि उसको समृद्ध और पवित्र रखे।